दिवाली के अवसर पे हम अपने घरों के आंगन में अक्सर विभिन्न और खूबसूरत रंगोलियां बनाते हैं। आमतौर पर रंगोली बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है, पर आज हम इस प्लास्टिक के बोतल से एक ऐसा रोलर बनाएंगे जिससे जितनी चाहे इतनी लंबी रंगोली का पैटर्न बना सकते। इस रोलर को बनाने के लिए आपको चाहिए एक प्लास्टिक की बोतल, कटर, सीजर, सेलो टेप, पुशपिन, टेम्पलेट और रंगोली के रंग। तो सबसे पहले हमें इस टेम्पलेट में दिए गए पैटर्न को सीजर से काटना है। फिर हम प्लास्टिक की बोतल पे लगाया हुआ लेबल कटर की मदद से निकाल लेंगे और हम पेपर को प्लास्टिक की बोतल पे अच्छे से चिपका देंगे। अब टेम्पलेट पे दिए गए पैटर्न के अनुसार हम पुशपिन से छेद कर देंगे। सारे छेद लग जाने के बाद टेम्पलेट को हम निकाल देंगे और इस बोतल में रंग भर देंगे। तो जैसे ही हम इस बोतल को रोल करेंगे फिर हमारी रंगोली तैयार है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इस रंगोली में समबाहु षटकोण यानी रेगुलर हेक्सागोन जो बिना किसी ओवरलैप या गैप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही बिना गैप और ओवरलैप वाली पैटर्न आप अपनी आम जिंदगी में घर के छत में या फिर मधुमक्खी के छतों में भी आप देख सकते हैं। और इसे ही टेसलेशन यानी टाइलिंग भी कहा जाता है। और स्क्वायर और रेगुलर हेक्सागोन की तरह रेगुलर ट्रायंगल की आपस में टेसलेट होते हैं, लेकिन अगर समबाहु पंचकोण यानी पेंटागन ले तो आपस में टेसलेशन नहीं हो पाता। तो जरूरी नहीं हर समबाहु भुज यानी रेगुलर पॉलीगन एक साथ आकर टेसलेशन का पैटर्न बना सके। तो इस दिवाली आप भी पॉलीगन के साथ सुंदर पैटर्न की रंगोली बनाए और अपने घरों के आंगन को सजाए और अपनी फोटो हमारे साथ जरूर शेयर करें।